हे गाइस, वेलकम बैक टू आर के यूनिक फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो तरह की मोदक की रेसिपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही है, गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही है और मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर ना करूं, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। तो जो आज मैं मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी यूनिक है और साथ ही मैं इस मोदक की रेसिपी में मैं गैस या फिर मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी मोदक बनाने के लिए। और आप एक इंडियन से दो फ्लेवर के मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। एक मोदक हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे और दूसरी मोदक हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाएंगे, जो बच्चों को दोनों ही फ्लेवर काफ़ी पसंद आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों फ्लेवर के मोदकों को कैसे बनाते हैं और आप देख ही सकते हैं कितने स्वादिष्ट और डिलीशियस लग रहे हैं। चलिए बना लेते हैं ना फटाफट से। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। आप चाहें तो यहाँ पर वनीला फ्लेवर या फिर चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट ले सकते हैं। ये 30 रुपये के आते हैं और वेट में ये 120 ग्राम है। अब हम इन्हें रैपर से बाहर कर लेते हैं। बिस्किट हैं वो हमने रैपर से बाहर कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए बिस्किटों की क्रीम है वो बोल में अलग कर लेंगे। तो गाइस, क्रीम से मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मोदक बनाने वाली हूँ। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मोदक कैसे बनते हैं। तो बस इसी तरीके से सभी बिस्किट की क्रीम है वो हम अलग कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर क्रीम है वो हमने बिस्किटों से अलग कर ली है और इसे हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर के मोदक। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें इस तरीके से बिस्किटों को तोड़ते हुए इसमें ऐड कर देंगे। बिस्किटों को तोड़ हम इसलिए रहे हैं, इससे जब हम बिस्किटों का पाउडर तैयार करेंगे तो वो आसानी से तैयार हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर सभी बिस्किट हैं वो हमने तोड़ के ऐड कर दिए हैं। अब हम इनका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। पाउडर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मिल्क पाउडर कहाँ मिलेगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किराने की शॉप से इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये इस तरीके के 10 रुपये वाले पाउच में भी आता है, साथ ही में 100-200 ग्राम के पाउच में भी आता है। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये वाला ही यूज़ किया है। ये वेट में 20 ग्राम आता है। 10 रुपये में 20 ग्राम मिल्क पाउडर मिल जाता है। 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ही इसमें पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप पाउडर शुगर को स्किप कर दीजिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 क्रश की हुई इलायची, इनका इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 चम्मच कट किए हुए काजू और साथ ही में थोड़े से पिस्ता हैं, इन्हें मिक्स कर देंगे। ये डालने से जब हम मोदक खाते हैं तो ये बीच में छोटे छोटे से वाइट में जब इनके पीसेस क्रंची क्रंची आते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दूध और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, स्टार्टिंग में ये काफ़ी ड्राई लगेगा और आपको लगेगा कि इसमें दूध और ऐड कर लेना चाहिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसे बस इसी तरीके से हाथों से कलेक्ट करते हुए बाइंड करते रहना है और आप कुछ देर के दौरान देखेंगे कि इसमें से काफ़ी सारा ऑयल है वो रिड्यूस हो रहा है और आपका डो है वो बाइंड होने लगा है और इसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर डो है वो लग के तैयार हो गया है। अब हम झटपट से हाथों को क्लीन कर लेते हैं और फिर इसके मोदक बना लेंगे। अब हम मोदक बना लेते हैं। तो मोदक बनाने के लिए नींबू के आकार का हम डो ले लेंगे इसमें से और हाथों की सहायता से चिकना करते हुए इसका एक पेड़ा बना के तैयार करेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद हम इस तरीके से इस डो को ऊपर की तरह खींचते हुए सेव देंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं मोदक बना रही हूँ वो बिना मोल्ड के बना रही हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसे मोल्ड से भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको हाथों से ही बनाना बता रही हूँ। हाथों से भी ये काफ़ी सुंदर बनते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक मोदक है वो बनके तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो इस तरीके से टूथपिक से मैं इसमें डिज़ाइन कर दूंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक मोदक है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा मोदक है बना के तैयार करेंगे।
तो गाइज़ अगर आपने मावा के मोदक या फिर पनीर के मोदक या फिर चावल के मोदक ट्राई किए हैं तो आप एक बार ये ओरियो बिस्किट के मोदक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं और ख़ास बात यह है कि ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे। तो बातों ही बातों में हमारा दूसरा मोदक है वो भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सभी मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम इधर देख लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मोदक कैसे बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रीम ले लें जो हमने बिस्किट से अलग की थी और फिर इसमें ऐड कर दें 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। 1/4 कप मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। फिर इसमें ऐड करें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी पिंक फूड कलर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मोदक बना रहे हैं तो जो हमारे मोदक हैं वो थोड़े से पिंक तो लगने ही चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दूध और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है मोदक बनाने के लिए। अब हम झटपट से बना लेते हैं मोदक। तो मोदक बनाने के लिए नींबू के आकार का हम डो लेंगे और इसे हाथों की सहायता से चिकना करते हुए पेड़े का आकार देंगे और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचते हुए इसे मोदक की शेप देंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं, इन्हें बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपके पास मोल्ड भी है तो आप एक बार ये ज़रूर बनाइए हाथों से। तो गाइस बातों ही बातों में हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मोदक है वो भी रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे भी ऐसे ही रख सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था, लेकिन इसे भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी जिससे ये एकदम मोदक जैसा लगे। तो सेम इसी तरीके से इसे भी टूथपिक से डिज़ाइन कर देंगे और अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सलाई या फिर किसी भी इस तरीके की पतली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मोदक पर आसानी से डिज़ाइन आ जाए। तो इसी तरीके से हम आगे की मोदक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर गाइस आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपको ओरियो बिस्किट मोदक की ये दोनों रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिए गाइस हमारे 30 रुपये के ओरियो बिस्किट से हमारे दोनों तरह के मोदक हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप कोई स्वीट या फिर भगवान के लिए कुछ बनाएं उसे डेकोरेट ना करें तो मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए मैं डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर सिल्वर लीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि चांदी की बरका, ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो इसे इसके ऊपर लगा देंगे और लगाने के बाद साथ ही में मैंने इनके ऊपर थोड़े से चौपके हुए पिस्ता लगा दिए हैं जिनसे इनकी खूबसूरती है वो दुगनी हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मोदक में डिज़ाइन और जो हमारे मोदक हैं वो किस तरीके के बन के तैयार हुए हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि बिना मोल्ड के घर पर अवेलेबल से हमारे मोदक हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। दोनों ही मोदक में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस यमी सी और डिलीशियस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।